दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आई होप आप अच्छे होंगे, अच्छे ही होंगे। दरअसल हम बात करने वाले हैं, तो आप थंबनेल देख के ही आए होंगे, तो आपको पता ही होगा हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो कोई नॉइस आ रहा हो दूसरा तो प्लीज़ माफ़ करना, तो उसे इग्नोर कर देना। बहुत समय हो गया, उसके बाद थोड़ा लंबा समय के बाद वीडियो डाल रहा हूँ, तो माफ़ करना, थोड़ा काम था इसलिए टाइम लग गया। जो कार के बारे में बात करने वाले हैं, जो अगस्त महीने में कारें लॉन्च हुई थी, जो टोटल 4 कारें लॉन्च हुई थी, उसके बारे में बात करेंगे, उसकी प्राइस के बारे में बात करेंगे, उसके इंजन के बारे में बात करेंगे, और कुछ ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि और ज़्यादा बात करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो उसमें सबसे पहले नंबर पर आती है, वो है रेनॉल्ट ट्राइबर, जो काफ़ी बेहतरीन डिज़ाइन के साथ लॉन्च की गई है, और उसकी प्राइस भी बहुत ही शानदार और प्यारी प्राइस रखी गई है, और उस 7 सीटर में लॉन्च की गई है। वो एक बड़ी बात है, आप उसको जो चाहे वो कर सकते हैं, 7 सीटर चाहे 5 सीटर 4 सीटर जो करना है वो कर सकते हैं, इतनी अच्छी और ज़बरदस्त कार बनाई है। हालांकि उसमें आपको इंजन छोटा देखने को मिलेगा, तो आपको पावर में थोड़ी फ़र्क नज़र आएगी, ओबियसली जाहिर सी बात है, उसमें पैसा कम देना पड़ रहा है, इसलिए आपको इंजन में थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ेगा, लेकिन उसकी डिज़ाइन काफ़ी बेहतरीन है और 7 सीटर मिल रही है, वो भी एक बड़ी बात है। अगर बात करें इंजन की, तो आपको उसमें 999 सीसी का 3 सिलेंडर वाला पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 72 PSP की मैक्सिमम पावर और 96 NM का टॉर्क जनरेट करता है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि आपको पावर ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो वही हम बात कर लेते कीमत की, तो इसकी 4.95 लाख से शुरू होती है और इसकी 6.49 लाख रुपीज़ तक जाती है। तो ये एक शोरूम प्राइस है, ये बता रहा हूँ, तो आप देख लेना आपके हिसाब से आपके यहाँ कितनी प्राइस पड़ती है ऑन रोड प्राइस। तो मेरे को तो ये कार बेस्ट लगी अगस्त महीने में जो लॉन्च हुई है। वहीं हम बात करें नेक्स्ट कार के बारे में, जो है हुंडई ग्रेनाइट 10 नियोस, वो भी काफ़ी अच्छी और बेहतरीन कार है, लेकिन हालांकि उसकी कीमत ज़्यादा है थोड़ी, लेकिन ओवरऑल वो भी अच्छी है। अगर आपके घर में ज़्यादा ज़रूरत नहीं है 5 सीटर चाहिए, तो आप 5 सीटर उसे पसंद कर सकते हैं। ग्रेनाइट 10 नियोस का 1197 सीसी 4 सिलेंडर 6 वोल्ट का पेट्रोल इंजन 83 PS की पावर और 113.7 NM का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 5 स्पीड MT के साथ AMT का भी विकल्प है, तो आप इसमें ऑटोमेटिक या मैनुअल कोई भी पसंद कर सकते हैं, ये भी अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, तो आपको जो मर्जी वो ले सकते हैं। वहीं आपको इसमें 1186 सीसी 3 सिलेंडर डीजल इंजन 50 PSP की पावर और 190 NM टॉर्क जनरेट करता है, तो आपको इसमें दो ऑप्शन मिल जाएगा पेट्रोल डीजल में, जो आप चाहे वो ले सकते हैं, वो भी MT या AMT में ले सकते हैं। हालांकि इसकी कीमत आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी, अगर आप इसकी कीमत का अंदाज़ा लगाए तो रेनॉल्ट ट्राइबर से भी ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी महंगी है। अगर कीमत हुंडई ग्रेनाइट 10 नियोस की पेट्रोल वर्जन की शुरुआती एक शोरूम कीमत आपको करीब 4.99 देनी पड़ेगी, जो कि 6.68 लाख रुपीज़ तक जाती है। वहीं हम डीजल इंजन की बात करें, तो 6.17 लाख से 7.85 लाख तक जाती है। तो ये थी इसकी कीमत, तो आप देख सकते हैं अपने हिसाब से कौन सी लेनी है। अगर आपको पावर की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पावर नहीं चाहिए, तो आप रिनो की ट्राइबन चूज कर सकते हैं। अगर आपको छोटी गाड़ी पसंद है, तो आप इसे भी चूज़ कर सकते हैं। वहीं हम बात करें नेक्स्ट कार के बारे में, जो काफ़ी समय से सुर्खियों में थी, ये कार बहुत लोगों ने इसका इंतज़ार किया। हम बात करने वाले किया
सेल्टोर की। किया सेल्टोर भारत में तीन इंजन के लॉन्च हुई है। इसमें 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन, 115 पीएस पावर और 144 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। वहीं 1.5 लीटर का वी जीटी इंजन 115 पीएस पावर और 250 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है, जबकि 1.4 लीटर का टर्बो जीटीआई पेट्रोल इंजन 140 पीएसपी पावर और 242 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। तो आपको इसमें दो ऑप्शन मिल जाएंगे, पेट्रोल डीजल, जो चाहे वो खरीद सकते हैं। उसकी डिज़ाइन भी आप देखोगे तो बहुत ही अच्छी और शानदार आती है, और वो फाइव सीटर कार आती है, आपको पता ही होगा, और वो काफ़ी सुर्खियों में भी थी और उसकी भी कीमत अच्छी खासी है। वहीं इसकी कीमत एक शोरूम 9.69 लाख से 16 लाख तक जाती है, उसकी कीमत एक शोरूम प्राइस है, ये बता रहा हूँ मैं, तो आपने हिसाब से देख लेना ऑन रोड प्राइस। किया सेल्टोस में आपको बहुत ही अमेजिंग फीचर भी अंदर बहुत सारे मिल रहे हैं, और इंटीरियर भी उसकी काफ़ी अच्छी और बेहतरीन है। उसका मुकाबला फिलहाल एमजी हेक्टर्स और किया सेल्टोस दोनों का कंपटीशन हो रहा है आपस में, और प्राइस भी सिमिलर है, तो आप देख सकते हैं कौन सी आपको चूज़ करनी है। वहीं बात करें हमारी नेक्स्ट कार के बारे में, जो है मारुति सुजुकी XL6। मारुति सुजुकी XLC में पावर के लिए 1462 सीसी का K12B स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 105 BHP की पावर और 138 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसका इंजन 5 स्पीड MT से लेस है। इसमें इसके साथ भी आपको इसमें 4AMT का भी विकल्प मिलता है, तो आप इसमें मैनुअल और ऑटोमेटिक जो चाहे वो ले सकते हैं। तो हालांकि ये आपको पता ही है मारुति सुजुकी की 80 का आती है, वैसे ही सिमिलर गाड़ी है, वैसी आती है, 7 सीटर भी करवा ले सकते हैं या 6 सीटर भी ले सकते हैं, जो चाहे वो ले सकते हैं। आपको जो आप 6 सीटर लेंगे तो इसमें आपको बीच वाली रो होगी, उसमें 2 सीट देखने को मिलेगी और पीछे आपको लंबी सीट देखने को मिलेगी, तो या ऐसे भी आप ले सकते हैं और बीच में भी लंबी सीट वाली भी ले सकते हैं, आपको ज़्यादा फर्क नहीं देखने को मिलेगा। एटिका और XL6 में सिमिलर है, पावर में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। वहीं इसकी कीमत की बात करें तो 9.17 लाख से 11.46 लाख रुपीस तक जाती है। हालांकि इसकी कीमत रेनॉल्ट ट्राइबर से बहुत ही ज़्यादा है, जो कि रेनॉल्ट ट्राइबर भी आपको 7 सीटर मिलती है, ये भी 7 सीटर मिलती है, लेकिन इसका पावर आपको बहुत ही ज़्यादा मिलेगा, टॉर्क भी आपको इसमें ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो आप देख सकते हैं कौन सी आपको लेनी है, आपके बजट में कौन सी बैठती है सही में, तो आप चूज़ कर सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन आपके लिए मारुति सुजुकी XL6 रह सकता है, क्योंकि किया सेल्टोस 5 सीटर है। अगर आपको SUV लेनी है तो किया सेल्टोस ले सकते हैं, आपकी मर्जी, जो लेना है ले सकते हैं, देख लेना है आपको कौन सी लेनी है। मेरे को बताना था कि अगस्त महीने में कौन सी गाड़ियां लॉन्च हुई है, तो मैंने बता दिया ये 4 गाड़ियां लॉन्च हुई है, काफ़ी अच्छी और बेहतरीन प्राइस पर लॉन्च हुई है। सब कारों में आपको BS6 इंजन देखने को मिल जाएगा, जो कि अब सब कारों में आने लगा है। तो ये वीडियो थोड़ा देरी से आ रहा है कुछ टाइमों के बाद, तो माफ़ कर देना अगर वीडियो में कुछ भूल किया या कुछ जल्दी समझाया या कुछ धीरे समझाया है कि, तो प्लीज़ कमेंट करना कि और क्या बदलाव करना चाहिए, धीरे समझाओ या तेज़ समझाओ या और ज़्यादा बोलो। थोड़ा शायद वॉइस में प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि प्रॉपर स्पीकर नहीं है, इसलिए वो जल्दी अपग्रेड कर लेंगे, तो इसे इग्नोर करना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर सकते हैं, अच्छा नहीं लगा डिसलाइक भी कर सकते हैं, अगर अवश्य कुछ करके जाना ताकि मुझे पता चल सके कि कुछ और क्या करने की ज़रूरत है, और कमेंट भी कर देना।
और इतना सब कुछ कर दिया है तो सब्सक्राइब भी कर देना, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो लेटेस्ट अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँच जाए, आप जहाँ भी रहे वहाँ सुखी रहे।